Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज है अपने पास YSD Adventure. तो आज की इस वीडियो में हम ना ही केवल इस बाइक के बारे में जानेंगे, इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स के बारे में जानेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इस बाइक का जो ओनर है उनसे उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस के बारे में कि इस बाइक को लेकर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ पता चलेगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो को इंटरेस्ट जरूर देखा और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. तो बुलाते हैं इस बाइक का जो ओनर है उनको, तो अपना दोस्त कौशिक. तो कैसे हो भाई? हेलो, दिस इज कौशिक. तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है फोटो निकेतन, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. उसमें मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाता हूँ और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर दीजिए. तो जरूर करना. तो वापस आते हैं टॉपिक पे, इस बाइक का जो ओनर है कौशिक. तो भाई सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है आपका ये किस वेरिएंट है, मतलब वेरिएंट कौन सा है, कलर स्कीम कौन सा है और आपको ऑन रोड कितने का पड़ा है भाई? ये है YSD Adventure ब्लैक मेंबर एडिशन, जो इसका टॉप मॉडल है, मतलब टॉप कलर स्कीम आप बोल सकते हो. इसके नीचे और दो वेरिएंट आता है, एक आता है केमो और एक आता है सिल्वर. जो ब्लैक मेंबर है उसका प्राइस आपको स्टार्टिंग मिलता है 272,000 से विदाउट द एक्सेसरीज. अगर आप एक्सेसरीज लोगे तो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 282,000. मतलब ये जो एक्सेसरीज लगा है ये कंपनी फिटेड आता है या फिर शोरूम से अलग से लगवाया गया है? नहीं, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय जावा है. अच्छा. लेकिन ये बाद में जो डीलरशिप है वहां से फिट करके देता है. लेकिन अभी के लिए ये एक्सेसरीज आपको लेना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एक्सेसरीज को आप ऑप्शन आउट कर सकते हो. आपको 282,000 पे करने होंगे और ये जो एक्सेसरीज है आपको वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे. मतलब ये कंपलसरी हो गया कि भाई आपको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई. ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो अभी आते हैं कि आप ये बताइए कि इस बाइक पे कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में. अच्छा, मतलब कुछ आइकॉनिक फीचर्स आपको लगा इसमें? आइकॉनिक फीचर्स जो है इसका मतलब इस प्राइसेस में इसका जो राइवल्स बाइक सब है उससे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका बहुत ही बेहतर है. क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ये बहुत ही बेहतर मिलता है. जैसे देख सकते हो आप लोग, ये नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो. यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है. अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे कॉल मैसेज ये सब का अलर्ट आपको मिलेगा. बाकी यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद आपका जो ऑडोमीटर है नॉर्मली ये सब तो मिलता ही है. और डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब टैंक में कितने तेल बाकी है और ये बाइक कितना चलेगा वो सब भी दिखाता है. हालांकि वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता है लेकिन आसपास मतलब हाँ मतलब अप्रोक्स आपको दिखा देता है. हाँ हाँ. और ये वाले जो स्विचेस है यहाँ पे ये किस काम आते हैं? एक्चुअली ये जो स्विचेस है ये बस देखने के लिए है, उतना ज्यादा काम का नहीं है. अगर आप ये सब स्विचेस देख के आपको लगेगा कि फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन वैसा है नहीं. यहाँ पे जो मोड बटन है इससे जो वहाँ पे फीचर्स है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो सब चेंज होता है. जैसे ओडोमीटर हो गया, ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया. और बाकी ये एरो दो जो है ये बस टाइम सेट करने के लिए दिया हुआ है. जो लोग पहली बार इस बाइक को चलाएंगे उन्हें लगेगा कि भाई ये जो स्विचेस है यही इंडिकेटर्स की कंट्रोल. हाँ हाँ, सबको लग सकता है ऐसा. और यहाँ पे आपको पहले से ही जो हैजर्ड स्विच है ये कंपनी फिटेड इनबिल्ट मिलता है. ये स्विच प्रेस करने से आपको 4 इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जो है वो मिल जाता है. तो अभी आप बताइए कि हर व्हीकल्स में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होता है. तो आपको इस बाइक पे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या लगा अभी तक? सबसे देखिए, मैं कंपेटिटिवली बताऊं या फिर इंडिविजुअली इस बाइक का? मैं नहीं, सिर्फ इस बाइक के बारे में बताइए. अच्छा, इस बाइक में जो आपको टॉर्क मिलता है 334 cc के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा है. इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं पहले भी बोला हूँ, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा है और बहुत डे लाइट पे बहुत ज्यादा विजिबल है. इसका ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हो 25 to 100 तक. और बाकी इसका जो पोस्चर है, मतलब बैठने का जो सिटिंग पोस्चर, ये बहुत अच्छा है. हैंडल थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में है. आपका मतलब ऑफरोडिंग में काम आता है बहुत ज्यादा. हाँ, ये ऑफरोडिंग में बहुत ज्यादा काम आता है. कंपेटिटिवली आपका जो रॉयल ड्राइवर है हिमालय है उससे ज्यादा कंफर्टेबल है ये. ये तो गया सिटिंग पोस्चर के बारे में. तो अभी आप ये बताइए कि इसके जो राइवल्स है, मतलब KTM 250 एडवेंचर, सुजुकी V-Storm, हिमालयन, उन सबसे सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज आपको इस बाइक में क्या लगा? देखिए, एक्चुअली जो हिमालयन आपका रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 है उसको मैं राइड किया हूँ कम से कम 300-400 किलोमीटर लगातार. तो उसके बाद मैं इसको भी राइड किया हूँ 200-300 मतलब खरीदने से पहले. लेकिन जो KTM का एडवेंचर सीरीज है उसको मैं थोड़ा ही चलाया हूँ तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ फिलहाल के लिए. लेकिन हिमालयन 411 जो है, जो इसी प्राइस सेगमेंट में आता है, उससे इसमें बहुत ज्यादा टॉर्क मिलता है. इसका सेटिंग पोस्चर उससे अच्छा है और इसका जो कुशनिंग भी बहुत ही बढ़िया, कुशनिंग भी बढ़िया है और पिलियन कम्फर्ट भी 411 से अच्छा है. आपको क्या हाइट ज्यादा लगा हिमालयन से इस बाइक का? हाँ, थोड़ा सा हाइट ज्यादा है लेकिन वो मैनेजेबल है. ऐसा नहीं कि आप अगर हिमालयन चला पाएंगे तो इसको नहीं टैकल कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप हिमालयन में कंफर्टेबल हो तो इसमें भी कंफर्टेबल रहेंगे आप.
अच्छा, तो भाई ये तो गया इस बाइक के पॉजिटिव के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जिस बाइक में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है, और वो हम लोगों को सुनने में बहुत ही मजा आता है। तो अभी जानेंगे भाई से कि इस बाइक में उन्हें नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या लगा। तो भाई नेगेटिव क्या क्या लगे इस बाइक में? देखो, सबसे पहले जो इसका नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊंगा वो है इसका ओवरहीटिंग। आप इंजन को जैसे ही 5-10 मिनट तक रोड पे चलाएंगे, जैसे 5-6 किलोमीटर हो गया या फिर 2-3 किलोमीटर में भी, ये इंजन इतना ओवरहीट होता है कि आपको राइट लेग में जो है इसका हीट आपको फील होगा, डेफिनेटली फील होगा। तो इसी वजह से मैं ऐसा शू पहनता हूँ कि मेरा पैर पे हीट उतना ज़्यादा असर ना मारे। तो इसका जो रेडिएटर फैन है वो कुछ ही टाइम बाद, जैसे 5-6 मिनट राइड करने के बाद ही ऑन हो जाता है, लेकिन उसका जो डक्ट का आउटपुट है वो नीचे तरफ फेस किया हुआ है, फिर भी इसका जो एयर है वो किसी कारण से, हाँ किसी कारण से राइट साइड में फेंकता है इसका हवा, गर्म हवा। ओवरहीटिंग के वजह से क्या ट्रैफिक जाम में आपको कुछ दिक्कत होती है? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे 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 हम ट्रैफिक में जाएंगे इस बाइक को लेके, और 4-5 मिनट तक अगर ट्रैफिक में हम उसको चलाते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं पैर इसका राइट का फुट पेग में रख पाता हूँ, बाद में मुझे उतारना ही पड़ता है। हाँ बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है कि आपको इरिटेशन फील होने लगेगा, लेकिन हाईवे में जब मैं क्रूज कर रहा हूँ या फिर 100-150 किलोमीटर में चला रहा हूँ, तब एयर फ्लो कंसिस्टेंस रहता है, इसीलिए मुझे उतना पैर में नहीं लगता है इसका गर्मी। अच्छा, ये तो क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसके अलावा आपको इस बाइक में और क्या क्या नेगेटिव लगा? इसके अलावा इस बाइक में है फ्यूल एफिशिएंसी। जो मैं इससे पहले यूज करता था हीरो एक्सपल्स 204 भी, उसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा था, हालांकि वो 200 का इंजन है में ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन हिमालयन 411 जो मैं राइड किया हूँ उसमें भी फ्यूल एफिशिएंसी इससे मुझे बहुत ही अच्छा मिला। पता नहीं, अभी तो फर्स्ट सर्विस हुआ है, सेकेंड सर्विस भी नहीं हुआ है, 3,800 किलोमीटर मैं इस बाइक को चलाया हूँ, देखता हूँ सेकेंड सर्विस के बाद इसका फ्यूल एफिशिएंसी कितना बेहतर होता है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है इस बाइक पे, उस हिसाब से क्या लगभग 25-30 तो देना चाहिए माइलेज पावर के हिसाब से, जो पावर इसमें मिलता है उस हिसाब से इसमें 25-30 का माइलेज देता है, लेकिन मुझे लगता है कि 35 के आसपास अगर माइलेज रहता तो ठीक था, क्योंकि हिमालयन 411 में जो है वो 30-35 आपको माइलेज दे देगा। इस बाइक पे कंपनी ने तो 30 KMPL का क्लेम किया है कंपनी ने, तो उससे ऊपर जाएगा लगता है? नहीं, शुरू में तो मुझे लगा था कि हाँ उससे ऊपर जाएगा, क्योंकि कुछ कस्टमर्स का मैं रिव्यू भी सुना था कि 32-33 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा था, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए मुझे 25-30 के आसपास में फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी लेके आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो इस बाइक? नहीं, डिसअपॉइंट नहीं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता तो बेहतर होता है, ऐसा नहीं है कि ये फ्यूल एफिशिएंसी को लेके मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर मैं ये कंप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसपे इस बाइक में जो टॉर्क मिलता है ना, और आपको रेव करके जो जॉय मिलेगा वो फ्यूल एफिशिएंसी वो मैटर नहीं करता, मतलब भूल जाओगे फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, ये काफी सही है। अगर आपको बाइक, अगर आपकी बाइक आपको फील दे रहा है कि भाई हाँ मुझे भगाओ मुझे चलाओ, तो फ्यूल एफिशिएंसी मैटर नहीं करता। तो ये गया नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, और अभी आते हैं इसके जो राइवल्स है। मैंने पहले भी बताया कि हिमालयन 411, KTM 250 एडवेंचर या फिर सुजुकी V-Storm, उन बाइक्स को छोड़ के आपको इसे लेने की असली वजह क्या है भाई? सबसे पहली चीज मैं बताऊं तो इसका लुक्स, ये 411 से इसका जो लुक्स है बहुत ही अच्छा है, ये देखने में बहुत ज्यादा अपीलिंग है, और ये जो ब्लैक मेंबर, स्पेशली ब्लैक मेंबर कलर जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दूर से भी काफी सुंदर लगता है। हाँ, और बाकी इसका मैं रिलायबिलिटी का बात करूँ तो KTM का बात करोगे तो उसका जो स्पेयर पार्ट्स होता है वो बहुत ही महंगा होता है, इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन हिमालयन से थोड़ा सा महंगा है इसका स्पेयर पार्ट्स। अच्छा, और बाकी हिमालयन का जो चेसी का बिल्ड है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे लैकिंग है, क्योंकि उसका चेसी में यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये हैंडल बार का जो माउंटिंग पॉइंट्स है। अच्छा। ये हिमालयन में थोड़ा सा पतला मिलता है, इसमें थोड़ा सा चौड़ा मिलता है देखने में तो एक्चुअली, लेकिन साइंटिफिक अंदर का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं एक्चुअली नहीं जानता हूँ, लेकिन देखने से मुझे लगता है ये स्टडी है थोड़ा सा फ्रेम इसका। अच्छा, तो भाई एक चीज मैं बता दूं कि मैंने ये सुना है कि YZD एडवेंचर सीरीज में जो बाइक है, अभी जो बाइक है मार्केट में YZD एडवेंचर OBD2 में, इस बाइक में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब YZD एडवेंचर में हर सीरीज में आता है ये। हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स मैं फेस किया हूँ इस बाइक को लेके, जो आपको कोई वीडियो में यूट्यूब में नहीं मिलेगा या फिर आपको जो डीलरशिप है वहां से भी इन्फॉर्म नहीं करेगा। जो एक प्रॉब्लम इसमें है, जो मेजर इशू है इसका, तो मैं इस वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं बात कर देता हूँ इसका कुछ फीचर्स के बारे में, जो एक मतलब आप अगर खरीदना चाहते हो तो आपको जानना चाहिए। जैसे इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है, और जो ABS है ये प्रॉपरली काम करता है, और सामने आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैलिपर मिलता है वो वाइब्री का मिलता है, जो बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग बाइट देता है सामने वाला चक्का में। बाइक काफी सही है। हाँ, काफी सही है, लेकिन पीछे का ब्रेक उतना खास नहीं है, लेकिन इस बाइक के हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में
जो ब्रेकिंग मिलता है वो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो अभी के ये, और एक चीज जो मुझे मतलब पर्सनली मुझे जो नेगेटिव लगता है, नेगेटिव नहीं कहूंगा भाई, डिसअपॉइंट लगता है, वो इसका रियर लुक, टेल लैम्प जो है इसका, वो इतू सा दे दिया है कुछ क्लासिक टाइप। हाँ, कुछ इसका जो टेल लाइट है, एक्चुअली ये जावा का जितने सारे बाइक्स है सब में ऐसा ही टेल लाइट देता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का या फिर स्क्वायर शेप का अगर टेल लाइट दे देता तो बढ़िया था। इससे ज्यादा अच्छा दिखने वाला तो एक्सपल्स 200 का टेल लाइट था, वो है। लेकिन हिमालयन का टेल लाइट और ज्यादा बेहतर दिखता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कस्टमाइज करने का। लेकिन फिर भी इसका इल्यूमिनेशन जो है उतना खराब नहीं है, पीछे से ज्यादा अच्छा से विजिबल है। टेल लैंप, हेड लैंप, सब कुछ एलईडी मिलता है। हाँ, यहाँ पे फुल एलईडी सेटअप मिलेगा इस बाइक में। इसका खास बात ये है, कोई फाइबर का इस्तेमाल किया गया बॉडी में या फिर सारे के सारे मेटल का? नहीं, कुछ 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 पार्ट में फाइबर है, लेकिन वो हाई क्वालिटी का है। जैसे आप देख सकते हो रियर फेंडर जो है ये फाइबर का बना हुआ है, लेकिन हाई क्वालिटी है। इसमें आप फ्लेक्स नहीं देख सकते हो, जैसे हीरो एक्सपल्स में पीछे का फाइबर में आप फ्लेक्स होता है, या फिर कोई भी बाइक में अगर फाइबर यूज करता है तो उसमें थोड़ा फ्लेक्स रहता है, लेकिन इसमें वैसा है नहीं। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बहुत ही अच्छा, क्वालिटी या फिर फिनिशिंग इन सब में काफी ध्यान दिया है यसडी ने। यहां पर और बाकी आप इंजन का जो फिनिशिंग देख सकते हो, इंजन का जो कवर है यहाँ पे वो बहुत काफी सुंदर लगता है। और यहाँ पे यसडी का ये जो बैजिंग है यहाँ पे, ये भी काफी सुंदर दिख रहा है। लेजेंडरी एसडी का यहाँ पे स्टिकर है, यहाँ पे एसडी का ब्रांडिंग है, यहाँ पे एडवेंचर का ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शायद ये आपका यूट्यूब चैनल का बैजिंग, चैनल इंस्टाग्राम सब में फोटो निकेतन आपको मिल जाएगा। हाँ भाई लोग फॉलो कर देना। तो अभी आप ये बताइए मेरे ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को, कि ये बाइक क्या लेना चाहिए, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में, बाकी बाइक्स को छोड़ के ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कि नहीं? देखिए आपका ऑडियंस बस नहीं, आपका ऑडियंस मतलब मेरा ऑडियंस, सबका ऑडियंस। तो देखिए अगर आपका बजट 2 लाख के अंदर है तो आप डेफिनेटली एक्सपल्स खरीद सकते हो, क्योंकि एक्सपल्स का जो सस्पेंशन सेटअप है एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। उसको आप अगर खरीद के कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इस बाइक का वेट है 210 kg विदाउट द एक्सेसरीज, एक्सेसरीज लगा के इसका वेट हो जाता है 210 kg। तो तब अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो या फिर रफ पैचेस में इस बाइक को लेके जाते हो तो उस टाइम पे आपको मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और अगर बाइक गिर गया तो उसको उठाने में कम से कम 2 आदमी लगेगा। अगर आप जिम वगैरह करते हो, बॉडी बिल्डर हो तो अलग बात है, तो अलग बात है, मतलब आपको आप कंट्रोल कर सकते हो इस बाइक को। मतलब एक अलग ही लेवल का बीच चाहिए। जो मैं देख सकता हूँ अभी यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया रियर में, ये बीच में दिया गया कुछ यहाँ पे सीधा ऐसे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कम्फर्टेबल है सस्पेंशन? ये हिमालयन 411 का सेम वैसा ही है सस्पेंशन। अच्छा। में कुछ चेंजेस नहीं है मुझे लगता है जितना देखने में, मतलब चेसी एप्रोक्स दोनों में सेम ही है। हाँ, दोनों में सेम ही है, लेकिन इसका जो सस्पेंशन का सेटअप है मुझे यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होता पीछे वाला सस्पेंशन तो बेहतर होता, क्योंकि हाईवे में थोड़ा सा हार्ड फील होता है ये। हाईवे में स्टेबल करने के लिए इसको हार्ड दिया है, लेकिन ऑफ रोडिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सॉफ्ट होता तो बढ़िया होता। बाकी सामने का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टीप है, क्योंकि हाईवे में जब आप चलाओगे तो उससे स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो भाई अभी फाइनल क्वेश्चन मेरा, अब ये बताइए कि इस बाइक का ओवरऑल परफॉर्मेंस, लुक ओवरऑल आपको कैसा लगा, सब कुछ मिला के? देखिए फर्स्ट इसका मैं लुक बोलता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो बाइक आप लेंगे तो उसको बस देखने के लिए, मतलब देखने से अगर अच्छा लगता है तो आपको गुड फील होगा। तो इसका जो लुक्स है वो हिमालयन से या फिर एक्सपल्स से, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में जितने सारे बाइक्स है, एडवेंचर बाइक्स है, तो उससे बहुत ही अच्छा है। इसका जो टॉर्क है वो हिमालयन से काफी बढ़िया है। बाकी तो इसका जो BHP है, हाँ 29 के आसपास, हाँ वो तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा। क्योंकि अगर आप 6th गियर पे चला रहे हो तो 100 kmph के ऊपर भी आपको एक पुल मिलता है जो आपको सीधा 130 तक लेके जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इंडियन रोड के हिसाब से 130 कुछ कम स्पीड है, हाँ बहुत ही बढ़िया स्पीड है, 130 भी नहीं चलाना चाहिए कंजेस्टेड एरिया पे। तो भाई अभी बात करते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में, मतलब अभी तक आपको टॉप स्पीड कितना मिला? अभी तक तो मुझे इस बाइक में मैं चलाया हूँ 141 kmph तक, लेकिन उसके बाद जाने का मुझे उतना हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन रोड के हिसाब से उससे जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा जो हालत है जो कंजेस्टेड एरिया है हर जगह, जाना भी नहीं चाहिए, आप लोग भी मत जाना भाई। एक्सप्रेस वे हो तो अलग बात है, आप जा सकते हो। और बाकी जो कंपनी क्लेम करता है इस बाइक का टॉप स्पीड के बारे में वो है 140 टू 145 के आसपास, जो मुझे लगता है ठीक ठाक है इस पावर सेगमेंट के हिसाब से। हाँ हाँ,
अच्छा। और बाकी आप अगर 100 km/h पे क्रूज कर रहे हो तो उसके बाद भी आपको सफिशियंट पावर मिलेगा कोसी ट्रक को या फिर हाँ, नहीं कुछ लैगिंग आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि जो मैक्सिमम टॉर्क है 6th गियर में अच्छा। वो 100 km/h के बाद ही आता है हाँ। तो 100 km/h से 120 तक ये आराम से चले जाएगा, आपको कुछ उतना महसूस नहीं होगा कि इंजन में प्रेशर पड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ। अच्छा, तो अभी आप एक चीज बताइए, आपने बताया कि आप इससे पहले एक्सपल्स 204 भी चलाया करते थे, तो उस बाइक से इस बाइक में आने का असली रीजन क्या है? एक्चुअली इससे पहले मैं जो एक्सपल्स 204 भी यूज करता था उसको लेके भी मैं बहुत ट्रेवल किया हूँ, लाइक 30,000 किलोमीटर के आसपास मैं एक साल में चलाया हूँ उसको। तो उसको लेके सो फार मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि उसमें पावर मुझे कम महसूस होता था। अगर कंपैरेटिवली बात करेंगे तो डेफिनेटली पावर कम है क्योंकि 200 पावर ज्यादा है इसमें, आपको ये ज्यादा तेज भागेगा, लेकिन 200 के हिसाब से क्या वो बाइक सफिशियंट पावर आपको दे पाता था? हाँ, 200 हिसाब के ठीक ही था, लेकिन सबको पता होगा कि एक्सपल्स 204 भी जो है उसका पावर मतलब इंजन का पावर है जो अंडर पावर इंजन है, लेकिन उसमें आपको लो आरपीएम में ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि पावर कम है या फिर ऐसा कुछ। आप अगर एडवेंचर करना चाहते हो, टूरिंग करना चाहते हो तो सफिशियंट पावर आपको मिल जाता था, लेकिन डेफिनेटली इसका जो पावर है मुझे दुगना फील होता है हाईवेज पे, और हाईवेज पे ओवरटेक करने में भी इसका जो इंजन है वो उतना स्ट्रगल नहीं करता, कॉन्फिडेंस देता है ये बाइक कि आप ओवरटेक कर सकते हो। हाँ, और बाकी जो दूसरा रीजन है इस बाइक को खरीदने का वो है इसका पिलियन कम्फर्ट। ये काफी सही है पिलियन कम्फर्ट, जो एक्सपल्स 204 में पिलियन कंफर्ट था वो उतना खास नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, ट्रेवल जरूर कर सकते हो, लेकिन पिलियन उससे कई गुना बेहतर है लॉन्ग राइड में, इसका कंफर्ट एक्सपल्स से बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो अभी आप ये बताइए कि आपने पहले बताया कि इस बाइक पे मतलब पर्टिकुलर ईएसडी एडवेंचर सीरीज पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो पहले कभी यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं ये बाइक खरीदा था ये ईएसडी एडवेंचर का OBD2 है, तो उसमें मुझे राइट साइड में पुलिंग इशू मिल रहा था, मतलब 60 km/h के आसपास मैं अगर हैंडल बार छोड़ देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली राइट लेन में चले जा रहा था। तो इसको लेके मैं सर्विस सेंटर भी विजिट किया हूँ, मैं जाबा में भी कंप्लेन किया था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन वहां से मुझे बोला कि फ्रंट व्हील का अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो वो लोग मुझे फ्रंट व्हील चेन रिप्लेस करके दिया है, लेकिन उसके बाद भी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था ईएसडी की तरह। हाँ, तो बाद में मैं डीलरशिप में जितने सारे नया ईएसडी एडवेंचर बाइक था उसको मैं ट्राई किया, तो देखा था कि OBD2 का जितने सारे नया बाइक था सब में ही राइट साइड पुलिंग इशू है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और ये जो जावा है वो भी एक्नोलेज किया है। मैं ट्विटर में भी इसके रिगार्डिंग ट्वीट किया था, आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हो, फोटो निकेतन है। और ये बाइक जो आपने ली है ये कहाँ से ली है? ये मैं सिलीगुड़ी से लिया हूँ, सिलीगुड़ी क्लासिक ऑटो से। एडवेंचर सीरीज की हर बाइक पे यही प्रॉब्लम थी? हाँ, वहाँ पे जितने सारे बाइक था एडवेंचर सीरीज का सब में ऐसा ही प्रॉब्लम था, बाकी डीलरशिप में मैं चेक नहीं किया हूँ। मैं जो ये कंट्रीब्यूशन आपको बोल रहा हूँ वही डीलर का जितने सारे नया बाइक था उसी को मैं ट्राई करके मैं ये आपको बोल रहा हूँ। हाँ, और एक डिफेक्ट इसमें जो है वो है रस्टिंग इशू, डिफेक्ट मैं नहीं बोलूंगा, ये एक इशू है जो जावा को सॉल्व करना चाहिए, नजरअंदाज किया है। अच्छा, तो आपको याद होगा अगर जावा का जो 42 आता था पहले या फिर रोडस्टर जो आता था उसमें भी बहुत ज्यादा रस्टिंग इशू था, लेकिन अभी वो बहुत साल हो गया उसको लॉन्च होने के बाद, 2023 में ईएसडी जो भी बाइक लॉन्च कर रहा है उसमें भी सेम प्रॉब्लम, मतलब रस्टिंग इशू। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं उनका चेसिस में या फिर स्विंग आर्म का जो मेटल का क्वालिटी है उसमें ये काफी मतलब कंप्रोमाइज तो उन्होंने किया, मटेरियल थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज किया है, तभी तो इसका प्राइस इतना कम रख पाया है वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ये है इस बाइक में दो प्रॉब्लम्स जो है वो शायद यूट्यूब में पहले आप लोगों को किसी ने बताया हो। तो भाई का चैनल ये है जो कौशिक भाई इस बाइक का ओनर है, इन्होंने ये बताया उन जो एक्सपीरियंस किए भाई ने इस बाइक को चलाया, अभी 4-5 महीने हो गया। हाँ, 5 महीने हो गया, लगभग 3000 के ऊपर ही चला गया है किलोमीटर। तो भाई ने जो एक्सपीरियंस किया है, जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की है, जो पॉजिटिव नेगेटिव इनको लगा वो आप लोगों के साथ शेयर किए। भाई का चैनल भी है फोटो निकेतन, आप लोग जरूर इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो यही तक है, हमने आपको दिखाया कि ईएसडी एडवेंचर की जो ओनर है उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इस बाइक को लेकर। तो वीडियो यही तक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।